हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो अपना बजट जारी किया गया है उसमें बेशक कई बातों का ध्यान रखा गया हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधार माने जाने वाली सहकारिता के लिए इसमें कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे प्रदेश भर के सहकार से जुड़े लोगों में निराशा झलक रही है। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू सहकार संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसे कर्मचारियों को भी काफी फायदा मिला है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश ठाकुर का कहना है कि इस बजट में जहां सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रखा है और कुछ नई योजनाएं भी हैं जो कि स्वागत योग्य है, परंतु हमें कहीं कोऑपरेटिव का विशेष उल्लेख या बुनकरों के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला, जबकि ये दोनों हिमाचल प्रदेश की जड़ हैं। बुनकर जो हैं वो हिमाचल की धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा रखे हुए और एम्प्लॉयमेंट दे रही है हिमाचल के लोगों को, और उसके बाद जो सहकारिताएँ भी है वो भी विभिन्न प्रकार की हैं। कृषि सेवा सहकारी समितियाँ हैं, बुनकर सहकारी समितियाँ हैं, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ हैं, हॉर्टिकल्चर की कोऑपरेटिव्स हैं, और इसके अलावा कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं, कोई लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है, इसके बाद कई मछली पालन में है, कुछ दूसरी चीज़ों में है। इनका एक विशेष महत्व, उसके लिए बेशक कुछ स्कीमें जो भारत सरकार के, पर प्रदेश सरकार को भी अपने बजट में इन सोसाइटियों के लिए प्रावधान रखना चाहिए, ताकि जो रोज़गार हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारों को निकालेगी तो सहकारिता के जरिए से ज़्यादा रोज़गार लोगों को दिया जा सकता है गांव-गांव में। तो हमारी, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध किया कि वो अपने इस बजट में इन चीज़ों को भी इंक्लूड करें, जिससे कि इनकी प्रोत्साहन हो। दूसरा, हमारे अभी हम जो स्वर्ण वर्ष मना रहे हैं, हमारे जो हमने 50 वर्ष पूरे किए हैं राज्यत्व दिवस के, स्टेटहुड के, उस बंद में एक तो हमने पहले कैंप यहाँ कुल्लू में लगा दिया था कुल्लू ब्लॉक के लिए, अब हम जो है नगर ब्लॉक के लिए पतलीकुल माहली में जो लो अपर कुल्लू फल उत्पादक संघ है उनका जो भवन है उसमें हम एक बहुत बड़ा सेमिनार करने जा रहे हैं, वर्कशॉप करने जा रहे हैं, जिसमें कि डगर ब्लॉक की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को सभी को बुलाया गया है, या जिसको पता नहीं है तो आपके माध्यम से मैं उनका अनुरोध कर रहा हूँ कि सब उसमें आए, वहाँ आकर के हम बताएंगे कि हमारी कुल्लू ज़िला की सहकारी सभाओं ने इन 50 वर्षों में क्या उपलब्धियाँ हासिल की है, और उसके बाद हमारे लिए प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने क्या क्या स्कीमें रखी हुई, क्या क्या दिया हुआ है, और वैसे कोई अगर हमारी कोई विशेष कोई बात हो उसको वहीं से हम लेकर के उसको भारत सरकार और प्रदेश सरकार को हम भेज सकते हैं, क्योंकि आज ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने सहकारिता के एक अलग से मंत्रालय बनाया है, और हिमाचल प्रदेश में भी सहकारिता के लिए प्रदेश सरकार का जो है सॉफ्ट